तुम्ही पाहतात नॅशनल आवाज। नॅशनल आवाज मध्ये आपलं स्वागत। गरीब नवाज वेलफेअर संस्थेकडून सामुदायिक विवाह सोहळा संपन्न। आम्ही आपल्याला सांगू इच्छितो की आज दिनांक 19/2/2021 रोजी गौसिया नगर पाण्याच्या टाकीजवळ दोंडेसा या ठिकाणी गरीब नवाज वेलफेअर संस्थेच्या वतीने सामुदायिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते। या सामुदायिक विवाह सोहळ्यात 22 वधूवरांचे यावेळी विवाह लावण्यात आला। या विवाह सोहळ्याची खास बात म्हणजे प्रत्येक वधूवरांकडून फक्त 1 रुपया घेऊन संपूर्ण लग्नाचा खर्च गरीब नवाज वेलफेअर संस्था गेल्या 14 वर्षापासून कार्य करत आहे असे यावेळी पाहायला व ऐकायला मिळाले। गरीब नवाज वेलफेअर संस्थेचे अध्यक्ष नभू पिंजारी यावेळी प्रसार माध्यमांसमोर या विवाह सोहळ्याविषयी बोलताना म्हणाले की जेव्हाही माझ्या घरी कुणी सांगायचे की माझ्या मुलीचे लग्न आहे मला पैसे द्या तेव्हा मला खराब वाटत होते। म्हणून मी निश्चय केला की गरिबांचे लग्न मीच सर्व खर्च करेन व लग्न पार पाडेन तेव्हा मला समाधान मिळाले। यावेळी गरीब नवाज वेलफेअर संस्थेचे अध्यक्ष नभू पिंजारी, आसिफ पिंजारी, अकबर पिंजारी, आरिफ पिंजारी, आसिफ पिंजारी, रफीक पिंजारी, कादिर पिंजारी, महमूद पिंजारी, जब्बार पिंजारी, शफी भागवान, वसीम पिंजारी, साबिर पिंजारी, दानिश पिंजारी, कादिर पिंजारी, अशफाक पिंजारी तसेच वधूवरांचे मित्र परिवार, नातेवाईक, ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। ब्युरो रिपोर्ट, नॅशनल आवाज। दोस्तों यहाँ जितने भी लोग मौजूद है हम बताना ये चाह रहे हैं, यानी समझाने की बात सिर्फ ये समझ ले कि निकाह जो है हमारे नबी की सुन्नत है और उसे सादगी से अदा करना चाहिए। ये भी हमारे नबी की सुन्नत है कि जो फजूल खर्च है वो ना हो और एकदम सादगी से निकाह हो। और ये जो सहरा जिसके सर बांधा जाता है वो नबू भाई है हमारे, जो हमारे दरमियान है। ये जो मीडिया में जो फोटोग्राफी हो भाईजान, ये दूल्हा दुल्हन की जोड़ी है, अल्लाह इनकी उम्र दराज करे और इनको सौसार पानी में बरकत दे और इनके जरिए और हमेशा हमेशा मरते दम तक और जहाँ तक तुम्हारी सांसें साथ में चलती रहे और साथ साथ जिंदगी चलती रहे, हर कदम पे अल्लाह तरक्की दे। और मुझसे कहा, यानी कि नबू भाई से कहा कि ये क्या बार बार गरीब नवाज कहता है तू। हमारे नबू भाई ने कहा कि उससे जैसे तुझे जीने के लिए सांसों की जरूरत है, नबू भाई ने उससे कहा कि जैसे तुझे जीने के लिए सांसों की जरूरत है वैसे ही मुझे जीने के लिए गरीब नवाज की जरूरत है। से उम्मीद ना टूटी थी, ना टूटी है, ना टूटेगी या ख्वाजा, मैं इस दुनिया से मायूस हो सकता हूँ तेरे कर्म से नहीं। तो मैंने वसीम भाई ये लीजिए, 2 लाइन में नबू भाई मैंने आपको मन कवर सुनाया था, लेकिन यही 2 लाइन है। दीवानों का नाम तुम्ही से या ख्वाजा। पहले जो दूल्हा और दुल्हन है उनको ये तोहफा दिया जा रहा है। पहनते थे अब मोबाइल में आ गई, इनको दीवाली के लिए, दीवाली है ना भाई, ये दीवाली पे लगाने वाली घड़ी। ये हमारी गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट है और ये ट्रस्ट से हमने इरादा किया है कि भाई जब तक हमारी ट्रस्ट है और हमारे ट्रस्ट के अंदर हमारे जो जितने भी सभासद है हम सब मिलकर ये प्रोग्राम चालू रखेंगे। ये उम्मीद करते हुए हमने ये प्रोग्राम कराया है। ये हमारा 14वां साल है और उम्मीद करते हैं हम हर साल को इसी तरह रहेगा। और ये 1 रुपए के अंदर रहता है जिसमें 3,000 रुपए वेलफेयर वाले लेते हैं, 2,500 रुपए पानी अपने 5 लड़कों के लिए लिया जाता है जो उनको परत दिया जाता है। और इनके अंदर
कम से कम दहेज टोटल दहेज दिया जाता है, ये पूरा टोटल दहेज गरीब नवाज ट्रैवल्स यानी हमारे तरफ से दिया जाता है। और ये प्रोग्राम के लिए ना किसी से डोनेट लिया जाता है, ना किसी से चंदा लिया जाता है। हर साल को करते हैं और हर साल को करेंगे। और हमारी गरीब नवाज ट्रस्ट की तरफ से अभी दवा खाना खुला हुआ है जो सिर्फ 1 रुपए के अंदर चलता है। हमारे गरीब नवाज वेलफेयर की तरफ से एम्बुलेंस है जो फ्री चलती है। हमारे गरीब नवाज ट्रैवल हमारे गरीब नवाज वेलफेयर की तरफ से सीवन क्लास है। हमारे गरीब नवाज वेलफेयर की तरफ से यहाँ पर रेलवे से कोई व्यक्ति गिरता है उसका पूरा खर्चा हमारी संस्था करती है। और हमारी संस्था की तरफ से हर साल ठंडी में गरीबों को शाल दिया जाता है। हमारे गरीब नवाज वेलफेयर मुझे दशहरे का प्रोग्राम करती है। ये अपना इमाम बादशाह रहमतुल्लाह ताला की तरफ जो जाने वाले हैं लोग रहते हैं उनके तो नाश्ते का बंदोबस्त करती है। और हमारी ट्रस्ट की तरफ से हर कुछ नेक काम रहता है उसको सहकार्य दिया जाता है। ये ट्रस्ट कायम ऐसी काम करते रहेंगी। मैं ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ और ढूंढाइचा नगर पालिका का उपनगर अध्यक्ष हूँ। ये वती से मैं सबको ये बोलता हूँ कि भाई यही ऐसी शादी करे जो हमारे मुसलमानों में कहलाती है कि भाई कम खर्चुली शादी, जो हमारी सुन्नत रसूल सुन्नत है। और ये सुन्नत निभाने के लिए ये लोगों ने 1 रुपए के अंदर शादी करे, सबसे कम खर्चे। आज की तारीख में 1 रुपए के अंदर कॉइन बुक तो चालू था वो भी बंद हो गया, फक्त शादी चालू है 1 रुपए के अंदर। और आने वाले साल के लिए भी हमने आह्वान किए थे कि भाई जिसको शादी टिपाना है वो शादी टिपा दे। ये सब हम 4-5 भाई मिलकर, हमारा लुकमन दादा हो, दीकन दादा हो, हमारा आजी भाई हो, आबू भाई हो, ये हम सब भाई मिलकर ये काम करते हैं। और हमारे को साथ देने वाले हमारे टीम जाने हमारे डोंडाचे के लड़के हैं। ये मेरे को इसके वजह से समझ में आया कि जब भी मेरे घर पे कोई आता था मेरे को शादी को पैसे दो, मेरा घर काम रख लो, नहीं तो ब्याज से पैसे काट दो। इसके वजह से हमने ना ब्याज से पैसे काटो, ना किसी से चंदा मांगो, आप यहाँ पर ही शादी करो। वैसे ही दवा खाने के लिए कोई भी घर पे आता था, मेरे लड़के की तबीयत खराब है, मेरे बच्ची की डिलीवरी है, उसको पैसे होना, इसके वजह से हमने दवा खाना खोले। और सबसे अच्छी बात है कि हमने जो जो सोचा हमारे वेलफेयर की तरफ से वो हुआ। अभी हमारा सबसे बड़ा काम बस ऊपर वाले से गुजारिश है गरीब नवाज के सबके में। और ये मेरी जितनी बेटियाँ बैठी है, मेरे बेटिया के कोई एक मेरी बेटी कभी दुआ कर दे तो इंशाल्लाह उनकी दुआ कभी कबूल हो गई। तो मेरा जो सपना है एक बुड्ढा आश्रम बनाने का, जहाँ पर कोई भी समाज का व्यक्ति हो उसको 2 टाइम का खाना खिलाने का, उसकी सेवा करने की, उसकी खिदमत करने का। क्योंकि अभी आजकल देखते हैं कि कोई भी मंत्री फिरता है भाई खाने के लिए दो, इसके लिए दो। तो हमने सोच लिया कि हमारी वेलफेयर की तरफ से हम ये काम चालू करेंगे। और बुद्धा आश्रम जो कोई भी समाज का हो उसके लिए हम ये चालू करेंगे। आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप दुआ करें कि हमारा सपना पूरा होए।